आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। कमला फिल्म्स एलएलपी की ये फर्स्ट डेब्यू मूवी है। इस मूवी के लिए विशेष रूप से आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और आप सभी को निवेदन करता हूँ, जरूर आप इस मूवी को देखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आई डिडंट गेट यू, प्लीज रिपीट। या एब्सोल्युटली एक्साइटेड, एज आई सेड यू, दिस इज कमला फिल्म्स विच इज माई कंपनी। दिस इज द डेब्यू मूवी, दिस इज द फर्स्ट मूवी वी आर रिलीजिंग डे आफ्टर टुमारो। I must say thanks to Cinepolis and thank you so much. मेरी फिल्म आलिया बसु गायब का प्रीमियर है, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सपोर्ट करेंगे। ये मेरी सेकेंड फिल्म है और एक थ्रिलर है, मैं चाहता हूँ आप लोग सब सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। यस सर, फिल्म के अंदर विनय पाठक हैं, भाईमा सेन है, सलीम दीवान है और कमाल का काम किया सर उन्होंने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। आपको एक्साइटमेंट दिख रहा है चारों तरफ, हम तो हैं। बस यही कि बहुत शिद्दत से बनाई है और बहुत लगा है हमारे प्रोड्यूसर डॉक्टर तावर, इन्होंने एकदम शुरू से हमारी मदद की, और हमारे सबसे बड़े प्रोड्यूसर डॉक्टर सत्तार दीवान जो हमारे साथ एकदम खंभे की तरह खड़े रहे, और आप आज देखेंगे क्या हुआ उसका। एब्सोल्युटली, और आप देखेंगे आपको पता चलेगा एक टाइट थ्रिलर है एंड हम लोग बस सोच रहे हैं कि ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। एंड सिनेमा जगत ने भी कल टिकट्स एकदम 99 रुपीस के कर दिए हैं, मतलब फ्राइडे को, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीबडी कम्स एंड एंजॉयज। राइट, थैंक यू। पूरी फिल्म के कलाकारों को, विनय जी को, राइमा को और दीवान जी को जो प्रोड्यूसर है, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बाकी फिल्म देखने के बाद ज्यादा बोल सकता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत सस्पेंस जुड़ा हुआ है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल द बेस्ट टू द होल कास्टिंग। बहुत ही ज़्यादा मैंने ट्रेलर देखी एंड आई एम अम्यूज्ड टू सी यू नो द कैरेक्टर्स दैट हैव बीन प्लेड। ऐसी कैरेक्टर लाइक यू नो कोई करे ऐसा, इट्स लाइक वेरी वेरी नाइस टू वॉच। और राइमा लाइक शी इज़ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और सलीम दीवान जी का भी बहुत अच्छा इन्होंने ट्रेलर पे एक्ट किया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ दिस मूवी। So good luck and I know it will do great. So all the best. Thank you. Very, very excited. I'm very excited. Nervous bhi hoon because aaj sab log film dekhne wale hain. To thoda nervousness kya? Should I stop? Some people ask me to stop. To carry on? Okay. So actually it's my first film. I'm little nervous but I'm excited also. Aur thank you so much all of you, aap aaye hain, aap hamari independent film ko capture kar rahe hain, shoot kar rahe hain, so I'm really grateful. Thank you. Right. Actually film jo hai thriller hai. और फिल्म जो है थ्रिलर है, एक सर्वाइवल स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की का किडनैप होता है
और उसके बाद पूरी फिल्म में तीन कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कहानी में, एंड इवेंचुअली कौन जीतता है इसमें, कौन हारता है, और जो हारता है जीतता भी है वो एग्जैक्टली क्या लूज करता है. तो देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स, लॉट ऑफ सब लेयर्स इन द मूवी. That's why we have actually we are positioning our film as the most twisted film of the season. That is the reason. मैं तो बहुत excited हूँ क्योंकि आज मेरी film release हो रही है after vaccine war. तो मतलब एक साल तो हो गया almost. तो मैं बहुत खुश हूँ. Of course, yeah. Like this is a time of happiness. तो खुशी की बात है, वी आर हैप्पी. मैं सिर्फ बोलूंगी प्लीज कम एंड वॉच आलिया बासु गाइस इन द हॉल्स, एंड ये बहुत ही एंटरटेनिंग एक थ्रिलर है. इट्स ओनली 1 hour 43 minutes. प्लीज कम. या आलिया बासु गायब है और 9 तारीख को थिएटर में मिलेगी आपको, और सेम लाइक यू कम एंड वॉच दिस फिल्म. एक्सपीरियंस And when is coming? No? It's coming. 9:10 is in show, na? Live show. It's on the way. It'll release by. मैंने बहुत मिस किया, पर अभी इसके बाद I have some more releases. तो अच्छा है कि मेरे लिए ये year बहुत ही it's been great for me. इसके बाद I have 2-3 other releases. Thank you very much. Thank you. Let's go. मैं यहाँ पर खास अपने छोटे भाई सलीम दीवान के लिए आया हूँ. उसने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, और इस बेहतरीन फिल्म मैं तो देखूंगा ही, और मैं हिंदुस्तान की आवाम से कहूंगा कि आप लोग सब जाइए कल थिएटर में और जाके आलिया बासु देखिए. इसमें आपको हमारे उभरते हुए छोटे भाई सलीम दीवान साहब नजर आएंगे, और आप लोग इनके देखकर, इनका परफॉर्मेंस देखकर दीवाने नहीं होंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. थैंक यू. बोलो. ये फिल्म आई होप सो कि बहुत ही ज़्यादा हिट जाए, एंड मैंने इसका ट्रेलर भी देखा एंड इट वॉज सो बॉम्बास्टिक, एंड आई होप ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए. सो ऑल द बेस्ट विशेज टू द एक्टर्स ऑफ दिस फिल्म, एंड आई होप इट गिव्स अ बिग हिट. थैंक यू. थोड़ा क्लोज आवाज कांट हियर यू. सबसे बड़ा क्रिटिक मेरे दोस्त हैं, जो कि उनको फिल्म कैसी लगी ये जानना बहुत जरूरी है. तो आज का जो स्क्रीनिंग है सब मेरे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए. सो आई एम नर्वस एंड आई एम हैप्पी. सो like different emotions all together. जैसा मैंने बोला कि दिस इज नॉट नॉर्मल थ्रिलर, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. लाइक ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि दो लड़कों ने किसी लड़के को किडनैप किया और रैनसम की बात कर रहे हैं, ये इतना सा ट्रेलर में दिखाया गया है. बट ये फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट है. इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, टर्न्स है, बहुत सारा सस्पेंस है, और वो धीरे धीरे खुलेगा. सो 1 hour 43 minute की फिल्म है, और इतना सारा सस्पेंस है कि आपको बहुत मजा आने वाला है.
नहीं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, बट जहाँ तक बात है कि काम करने की एक्ट्रेस के साथ, वो मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि मैं इतने दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया, और मेरे लिए एक सबसे बड़ी लर्निंग है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।